Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss some of the remaining data query language command. So we'll start with the order by command. Order by command, when we use this command with select statement, it is basically used to order the data in ascending and descending order. So for example, we write like this: select student name from student, order by name ascending. This statement will select the name from student table and order it them according to the name in ascending order. Means name start with A will come first, B will second, and so on. Like this. If we want to order the name descendingly, we will select the statement properly. It is, and here we will use descending. Okay. Now name bar order in the descending. अगर आप यहाँ पे ascending लिखते हैं या नहीं लिखते, it doesn't matter. By default, it will order the items ascending. इसी तरीके से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम, ठीक. ये आपको ऑर्डर मिल रहा है, किस रिकॉर्ड ऑर्डर हुए हैं अकॉर्डिंग टू नेम अल्फाबेटिकली. अगर हम करते हैं ऑर्डर बाय एज, एज जिसकी कम होगी वो ऑर्डर पहले आएंगे और जिसकी ज़्यादा होगी वो लास्ट में. सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. उसके लिए हम चेक करते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पर. इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सम. ये डिफरेंट फंक्शन या ऑपरेशन हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू किसी भी कॉलम पर परफॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं सेलेक्ट, हम कहते हैं नेम फी सेलेक्ट नेम फी. अगर फी के कॉलम हमारे पास है, हम उसके साथ कोई मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं सेलेक्ट फी, सॉरी सेलेक्ट स्टैरेट फ्रॉम स्टूडेंट. इस टेबल में हम कहते हैं जो हमारे पास फी का कॉलम है, इसके हम एडिशन करना चाहते हैं. जितनी फी है उसको थाउजेंड, इस फी के कॉलम में थाउजेंड ऐड कर दो. तो फी सिंपली लिखेंगे फी प्लस थाउजेंड एस यू फी फ्रॉम स्टूडेंट ठीक.
इससे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा हमारे पास न्यू फी के नेम से। अब पहले फी थी 1000, अब 2000 हो गई है स्टूडेंट की, ठीक। लेकिन इट डजेंट मीन कि ये कॉलम आपका परमानेंटली सेफ हो गया है स्टेबल में। ये सिर्फ इस क्यूरी के, जब तक ये क्यूरी रन होगी, एग्जीक्यूट हो रही है, उसके रिजल्ट पे ये कॉलम आएगा। जबकि दोबारा अगर आप चेक करते हैं, आपका बैक एंड पे जो टेबल या डेटा पड़ी हुई है वो एज इट इज रहेगा, उसमें ये कॉलम ऐड नहीं हुआ होगा, ठीक। आपका ओरिजिनल टेबल ये है और ये सिर्फ टेबल का व्यू आपको चेंज करके दे रहा है अकॉर्डिंग टू द यूजर क्यूरी, ठीक। हम इसके साथ लिख देते हैं वेयर वेयर आईडी, या हम कहते हैं वेयर फी इज ग्रेटर देन 1000। ये अपनी तरफ से हमने एक कंडीशन लगा ली कि जहाँ फीस 1000 से ज्यादा हो उसमें एडिशन कर दो 1000। अब ये सारे वो स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा है जहाँ पे फीस 1000 से ज्यादा थी। इसी के साथ हम कहते हैं ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम, ठीक। ये आपको ऑर्डर बाय नेम आपको ये रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। सेलेक्ट के साथ आपकी टेबल का व्यू चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे आप स्टेटमेंट चेंज करते रहोगे व्यू चेंज होता रहेगा, लेकिन बैक एंड पे आपकी टेबल चेंज नहीं होगी। सेकेंड ऑपरेशन चेक करते हैं माइनस का। इसी तरीके से हम माइनस का भी लिख सकते हैं कि अच्छा, ये जो हम कॉलम को यहाँ पे नेम दे रहे हैं, न्यू फी का जो नेम आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि एस लिखा और न्यू कॉलम का नेम मेंशन कर दिया विदाउट एस के भी हम नेम मेंशन कर देते हैं। अगर इस तरीके से भी करें तो ये आपके पास न्यू कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे हम कहते हैं फिर से माइनस कर दो 1000 को, ठीक। ये माइनस हो गई है 1000 से। इसी तरीके से हम अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे एस। यहाँ पे हम लाइसेंस इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज हो जाए। ये आपके पास फी मल्टीप्लाई हो गई है। अगर आप सम फाइंड करना चाहते हैं टोटल फी, हम कहते हैं जितने भी हमारे पास फी है तो इसका सम आउट कर दो। फी के कॉलम को सम आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये याद रखिएगा जब भी हम इस टाइप का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इट रिटर्न्स ओनली अ सिंगल वैल्यू। उस तरीके से इससे पहले हमने काउंट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, मिनिमम मैक्सिमम का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो उनका
का रिजल्ट जो आ रहा था वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू के, यहाँ पर भी एक सिंगल वैल्यू आपके पास रिजल्ट आएगा। ये स्क्रिप्ट टोटल फुल हो गया। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, थ्री डिवाइडेड बाय टू फ्रॉम स्टूडेंट आपके पास फी डिवाइडेड बाय टू हो गई है। अगर आप यहाँ पे लाइसेंस नहीं दोगे तो ये जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ये डायरेक्टली इसको नेम मेंशन करेगा। आज तक के लिए इतना काफी है। वी विल डिस्कस फर्दर टू सेलेक्ट स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह।